हेलो दोस्तों, आप लोग का एस डी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के यहाँ पर क्लास टेंथ का साइंस वन का दो लेसन का मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग को बोर्ड एग्जाम हो, फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो, सब जगह ये काम आने वाला है। अगर फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ये चीज़ करके जाते हो तो आप लोग यहाँ पर पूरा फाड़ के आओगे पेपर। इसके अलावा आपको क्वेश्चन एक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा मेरे भाई, इसी के रिलेटेड आने वाला क्वेश्चन, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बोलोगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस से किस तरीके से बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई ये PYQ के बेस पर प्लस आप लोग का जितना प्रैक्टिस पेपर आया 21 आया, सब कुछ मैं एनालिसिस किया, 3 से 4 साल का पेपर जो था वो भी एनालिसिस किया, तब उसके बेस पे मैं ये क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके लिए बोलता हूँ मोस्टली क्वेश्चन इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, सेकेंड सेमिस्टर, फर्स्ट सेमिस्टर, सब जगह ये चैप्टर से इसी के अंदर से आने वाले हैं। अगर आप भी जो मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चन कर लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में दो लेसन को छूना भी नहीं पड़ेगा मेरे भाई, बस इतना ही आपको करना रहेगा मेरे भाई। अब मैं बताता हूँ आज दो लेसन इसी तरीके से। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से आना स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर दिन आप लोग को अलग अलग सब्जेक्ट का ऐसे ही आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, साइंस वन का अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना है। साइंस वन क्लास टेंथ हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, सबके लिए बता रहा हूँ। फटाफट जो बताऊँगा उसको टिक मार कर लेना, इसको हल्के मत लेना मेरे भाई। आप लोग एग्जाम दे के आओगे, खुद मैं यहाँ पर आप लोग अगर बोलोगे तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे मैच करा दूंगा कि वही क्वेश्चन थे, सेम टू सेम क्वेश्चन उसी के तरीके से पूछा गया था। इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट इसको जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ फटाफट दो लेसन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे का लेसन आएगा, बट इसको आप लोग जितना हो सकता है शेयर करना। अगर आप लोग सपोर्ट प्यार दिखाए ना मेरे भाई तो तहलका मचा देंगे, इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट इसको शेयर करना। अब यहाँ पर पहला जो लेसन आता है, देखो दो लेसन का भी जस्ट मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इसको टिक मार कर लेना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर बढ़ा के इधर से उधर देखे तो तकलीफ हो सकता है। ग्रेविटेशन, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और एलिमेंट्स, दोनों लेसन का मैं जस्ट अभी बताने चल रहा हूँ, फटाफट इसको टिक मार करते चले जाना। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है आप लोग का ग्रेविटेशन। इसके अंदर देखो साइंस वन हो, साइंस टू हो, बट इसके अंदर से जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, अंदर से बाहर से जहाँ से बता रहा हूँ, सब इसको अच्छी तरीके से आपको करते चले जाना है, टिक मार करना। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक ग्रेविटेशन दिया गया, इसमें सर आइजक न्यूटन, बस आप लोग को याद करना, क्या चीज़ याद करना, सर आइजक न्यूटन ने ग्रेविटेशन का क्या किया था, रिसर्च किया था, बस आपको कुछ भी नहीं इस पेजेस पे, बस यही चीज आपको याद करना। उसके नीचे आप लोग को एक दिया गया फोर्स किसके लिए नेसेसरी होता है, तो मेरे भाई फोर्स किसके लिए नेसेसरी होता है, यहाँ स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, बस इतना यहाँ से हो गया। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना, यहाँ पर न्यूटन्स के बारे में पढ़ लेना कि वो कौन कौन सा लॉ दिए थे। देखो यहाँ पर लॉ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, और जिस बुक में लिखे थे उस बुक का नाम था प्रिंस पिया, याद रखना कुछ ज़्यादा नहीं, बस प्रिंस पिया याद रख लेना, बस बात खत्म हो जाएगा मेरे, बस इतना यहाँ से याद करना। और यहाँ पर एक और दिया गया है, यहाँ पर लाइट, हीट, साउंड, मैथमेटिक के थ्रू ये किए थे पूरा अच्छी तरीके से। उसके बाद इस यहाँ का जो बोला गया उसका नाम दे दिया गया कैलकुलस, क्या नाम दे दिया, कैलकुलस नाम दिया गया था, बस इसको याद करना। उसके बाद और नीचे आ जाते तो यहाँ पर देखो एक दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका आपको बस क्या करना है, डेफिनेशन याद करना, बस याद रखना डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, बस सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का दोनों का याद कर लो, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का, बस आप लोग का ये भी पेजेस खत्म मेरे भाई, क्योंकि ये हल्के मत लेना, मैं बोल रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम का भी आपका तैयारी हो जाएगा। आपको अभी से जो बोल रहा हूँ बस उतना कर लेना, आप लोग का यूनिट टेस्ट जब देखे आओगे ना आपके चेहरे पर अलग ही खुशी रहेगी। इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट से इसको टिक मार करके अच्छी तरीके से इसको लर्न कर डालो। अब यहाँ पर आता है केपलर्स का लॉ, केपलर्स का लॉ आप लोग को तीनों लॉ क्या करना अच्छी तरीके से याद करना है, यहाँ पर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ क्या क्या याद करना है सर वो बताओ। देखो यहाँ पर ब्लैक वाला लाइन है, पहला हो गया, फिर ए लिखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ए वाला लिखोगे,
फिर उसके बाद हमारा आएगा थर्ड वाला, देखो ए वाला आएगा थर्ड वाला, और उसमें ए वाला मेंशन कर दोगे मेरे भाई। इस तरीके से केपलर्स के आपको तीनों लॉ याद करना है। वेरी वेरी आईएमपी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें से देखो आपको कहाँ तक याद करना है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यहाँ से आपको याद करना है यहाँ तक, ए हो गया, उसके बाद ए वाला चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, और यहाँ पर एक लाइन दिया गया ए वाला, देखो बस आपका खत्म हो गया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। अब भी देखो ए वाला आपको मोस्टली पूछा नहीं जाता मेरे भाई, अगर करना रहेगा तो कर लेना, बट ये पूछा नहीं जाता। अब उसके आगे आ जाओ, यहाँ पर आप लोग को वेरी वेरी न्यूमेरिकल से जो बोला गया है, तो पहला वाला महेंद्र और विराट वाला वेरी 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 आईएमपी में करके आप लोग रख लेना, समझ गया। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इधर से ये सब कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं छूना है, बट यहाँ से एक चीज़ करना है, वैल्यू ऑफ द जी सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ से ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना, बहुत ईजी है, एक बार करोगे तो हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बताया भी हूँ किस तरीके से करना है। अब आता है इसमें छोटा छोटा बस पॉइंट याद करना, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ पर क्या होता है, यहाँ पे देखो दिया गया, छोटा छोटा पॉइंट याद कर लेना कितना होता है, देखो इट रेडियस, इस तरीके से छोटा छोटा बस याद करना, द अर्थ ब्लूज एट द इक्वेटर एंड द प्लेटर्स, इस तरीके जो पॉइंट दिया गया छोटा छोटा, इससे पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट याद करना। अब चेंज द हाइट, अगर देखो मैं एक ही वर्ड बोलूँगा कि हमारा, अगर यहाँ पर एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ, अगर मैं इसे सर्कल एक बनाता हूँ, अगर यहाँ बीचों बीच में एक पॉइंट ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, ये मेरा रेडियस है, अगर देखो रेडियस मेरा प्लस में रहेगा तो मेरा जी का मान क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, याद रखना ये चीज़ मेरा अर्थ हो गया। अब मैं क्या किया, रेडियस को बढ़ा दिया, आर को मैं बढ़ाया तो जी का मान मेरा क्या हो गया, माइनस में हो गया। अगर रेडियस क्या होगा, रेडियस अगर त्रिज्या आर माइनस होगी तो जी का मान क्या होगा, प्लस में रहेगा, मतलब बढ़ेगा, याद रखना। और जी का मान 9.8 होता है, याद रखना भाई। उसके बाद आप लोग को यहाँ से चेंज इन डेप्थ में जाओगे तो क्या होगा, उसको बस थोड़ा सा पढ़ के समझ लो। उसके बाद आप लोग को और क्या करना है, यहाँ से मास और वेट का डिफरेंट बिट भी नहीं याद करना। देखो अभी मैं जो अंदर से बता रहा हूँ आपके एक्सरसाइज से भी क्लियर हो जाएगा, मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन कितना पॉइंट, चार पॉइंट याद कर लो, कितना पॉइंट, चार पॉइंट, बहुत ईजी है मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत ईजी है, बस इसको याद कर लो। आज मैं दो ही लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो चीज़ करके रख लो। अब फ्री फॉल का क्या करना है, आप लोग को डिफिनेशन याद करना, क्या डिफाइन करने वाला याद करके रखना, सिर्फ डिफिनेशन, मैं जहाँ डी लिखूंगा वहाँ पे डिफिनेशन आप लोग समझोगे। उसके नीचे आप लोग को यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन है, एक दो, दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मैं VVVIMP वेरी 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 IMP इस तरीके से दिया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे न्यूमेरिकल्स को दिया हूँ, तो इसको अच्छी तरीके से करोगे दोनों। उसके बाद यहाँ पर एक पोटेंशियल सोचो, इतना अंदर से कौन बताएगा मेरे भाई आपको, सिर्फ HD टेक आपको बता रहा है, इसके लिए आप इसको हल्के मत लेना मेरे भाई, अगर हल्के में आप लिए तो आपके एग्ज़ाम में हल्के में चले जाओगे, इसके लिए इसको अच्छी तरीके से कर लेना। अब आता है मेरे भाई इसके वेलोसिटी का, बस डिफिनेशन याद करना है, डी मतलब डिफाइन करना है। उसके बाद इधर से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं करने का। अब देखो ए वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है, ऑलरेडी ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, तीनों क्वेश्चन हो गया। देखो इसे दिया था मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन, यहाँ पर फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके वेलोसिटी, सेंट्रिपिटल, चारों में आपको टिक मार करा दिया। यहाँ पर केपलर्स लॉ भी आपको टिक मार करा दिया मेरे भाई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ए वाला आप लोग अच्छी तरीके से करके रख लेना मेरे भाई, इसको समझ गए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, ए वाला जो दिया गया सम, उसको अच्छी तरीके से आपको करके रखना है
मेरे भाई बस इतने ही आपको करना है और बाकी कुछ भी नहीं। और करना रहेगा तो एक ए वाला करके रखो, बॉल वाला, समझ गया? बस ए चैप्टर का आपका पूरा ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर बताओ, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग को डोब्रायनर के ट्राइड्स जो दिया गया है वो चीज़ याद करोगे, सॉर्ट्स नोट ये याद करोगे। उसके बाद एक लाइन इसमें से ए वाला याद करके रख लोगे, बस। उसके बाद आप लोग और आगे आओगे, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल याद करोगे, वो मैं एक्सरसाइज से ही बताता हूँ आपको। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, ये चीज़ देखो इतना याद करना है। यहाँ पर दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स में मेरे भाई पूछ सकते हैं, वर्टिकल कॉलम इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप व्हाइल दिस हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड। बस इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ के ले लेना। उसके बाद और आगे आ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे देखो, मैरिट और डीमेरिट्स का बस आप लोगों को तीन तीन पॉइंट, कितना पॉइंट, तीन पॉइंट मैरिट, तीन पॉइंट डीमेरिट का याद करके रख लेना है। याद रखना मैरिट और डीमेरिट दोनों बोल रहा हूँ, तीन तीन पॉइंट, थ्री पॉइंट याद करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर ए वाला लाइन आप लोग को अच्छे तरीके से याद करना है, ए वाला लाइन। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप लोग को एक्सरसाइज से मैं बताता हूँ, रुके रहो। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर से आप लोग को क्या करना है, देखो ध्यान से देखते रहना। एक वैलेंसी का डिफिनेशन याद करना है, उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर दिया है एटॉमिक साइज का डिफिनेशन याद करना है। उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर से आप लोगों को मेटॉलिक और नॉन मेटॉलिक का ए वाला याद करना है। ये अच्छी तरीके से आप लोगों को इसे पांच क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको करना है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं, हम लोग को क्या करना है वो ध्यान से सुनो, ए वाला करना है, ए वाला करना है अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी 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 आईएमपी याद रखना, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर सिक्स से पहला ही दूसरा अच्छी तरीके से आपको करना, पहला और दूसरा। और क्वेश्चन नंबर सेवन का जो भी साइंटिफिक रीज़न है, एक मैं बोल रहा हूँ कंपलसरी आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में कन्फर्म है पूछेगा, तो इसको पूरा पूरा आप लोग को करना है, ए ए बी सी डी ई चारों पांचों अच्छी तरीके से आपको करके रख लेना है। उसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना उसको करना है और यहाँ पर से ये करना है। इस तरीके से आप लोग का दूसरा भी लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट सेमिस्टर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, सेकेंड यूनिट टेस्ट, सेकेंड सेमिस्टर एग्ज़ाम, सब कुछ आप लोग का दो लेसन से आप लोग को बस इतना ही पूछा जाएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं मेरे भाई। बस इसको अच्छी तरीके से कर लेना और चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना।